जस्ट यूपीएससी इन गुजराती। तो आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो शुरुआत में वो उदारवादी शासक था। आर्थिक और प्रशासनिक चेंजेस करने की वजह से उसको सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। उसकी माता राजपूत रणमल भट्ट की पुत्री थी, यानी कि वो हिंदू माता का पुत्र था। दीवाने खैरात, मतलब आज का बाल विकास मंत्रालय, महिला और बच्चों के लिए उसने विकास हेतु कार्य किए थे। प्रथम बार मैरिज ब्यूरो शुरू किया, पेंशन खाता, फ्री हॉस्पिटल उसने शुरू की थी। वो लोग गुलामों के शौकीन थे, इसलिए उस वक़्त उसके पास 1,80,000 गुलाम थे। उसने शहर बसाए जैसे कि फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार हरियाणा, जौनपुर, फिरोजपुर। जयाउद्दीन बरनी ने तारीख़ और फिरोजशाही एक पुस्तक लिखी है फिरोज शाह तुगलक पर। फिरोज शाह की खुद की आत्मकथा है और कुतुल है फिरोज शाही। उसके बाद उसका भाई आया नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। उस वक्त तैमूर लंग ने दिल्ली पर 1398 में आक्रमण कर दिया। तैमूर लंग मतलब बाबर के 5वीं पीढ़ी के दादा, ठीक है। तैमूर ने क्या किया था एक्चुअली में, तो तैमूर ने सारे के सारे किले थे वो तोड़ दिए थे, जिसमें से एक था फिरोज शाह कोटला का किला। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर गर्मी की सीज़न में भी जेल में एटमॉस्फेयर एक एसी जैसा था। उसका ये मानना था कि अगर कोई कैदी गलती से भी कैद कर लिया गया हो तो उसे इस बात की सज़ा ना मिलनी चाहिए। इसलिए समर में वहाँ पर ठंडी एसी जैसा एटमॉस्फेयर था। कहा जाता है कि वहाँ के पत्थर जो थे वो अरब से मंगवाए गए थे, उस जेल के पत्थर। और यहाँ पर फिरोज शाह कोटला में हमें अशोक का एक स्तंभ भी रखवाया गया था, मिला था, मतलब उसने रखवाया था। तैमूर लंग को तुगलक के दो सैयद गद्दार भाइयों ने मदद की थी। तैमूर ने सब कुछ लूट लिया और राज्य दो सैयद भाई खिजना खां को सौंप के वो वापस चला गया। मतलब इन शॉर्ट तैमूर सिर्फ लूटने आया था। तो वो जो दो सैयद भाई थे उनके बेसिस पे शुरू हुआ सैयद वंश। तो दो भाई थे जिनका नाम था जूना खां और खिजना खां। जूना खां की मृत्यु हो गई थी, इसलिए खिजना खां जो है वो रियल स्थापक है सैयद वंश का। सैयद वंश में करीबन 4 सुल्ताना है। उसका समय था 1414 से लेके 1451 तक। उसमें आखिरी सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। बहलोल लोदी ने उसे मार दिया था और फिर लोदी वंश की स्थापना हुई थी।